हमारे भाई में क्या बोलते हैं पता है? क्या? चंदेरिका देवदास बर्बाद आशिक बिक्की बावरा सस्ता रांझा मजनू का वांझा चन्ना मेरे या पागल प्रेमी दुखी दर्जी टूटा दिल शहजादा जिसका प्यार रह गया आधा कबीर सिंह सूखा वर्जिन। जात पात के प्रबंध का मैं भी सम्मान करता हूँ, यही सृष्टि का विधान। सो हेलो गाइस, वेलकम फॉर यूर चैनल एवी बॉक्स ऑफिस। दोस्तों आज के दिन हम बात करेंगे पांच बड़ी फिल्मों के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पांच फिल्म हम सभी के बीच में बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर चुकी है और दोस्तों आपको बताएंगे कि मूवी का बज और क्रेज कैसा देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं एवी बॉक्स ऑफिस, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हमारी पहली फिल्म खेल खेल के मूवी के बारे में तो आपको बता दें कि ये फिल्म एक दोस्ती कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर आपको अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, एमी वर्ग, फरीद खान, आदित्य और प्रज्ञा जैसे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म को डायरेक्ट करा है मुदस्सर अजीज ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा है भूषण कुमार ने। दोस्तों मूवी की कहानी एक फोन को लेकर के इर्द गिर्द घूमती है जहां पर दोस्तों हर कोई एक दूसरे का सीक्रेट जानना चाहता है। अब दोस्तों ये सीक्रेट जानने के लिए ये कौन सा खेल खेलते हैं, उनके बीच में क्या अनबन होती है और दोस्तों कैसे उस अनबन का समाधान निकलता है ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने के बाद में मूवी का बज और क्रेज काफी अच्छा बनते हुए नजर आ रहा है। फिल्म के सभी सॉन्ग हिट रहे, फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस ने काफी अच्छा पसंद करा है और आपको बता दें कि मूवी को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2000 स्क्रीन के ऊपर भी रिलीज करा जा रहा है जिससे दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना खेल खेल में मूवी काफी अच्छा रिस्पांस करते हुए नजर आ रही है। अब दोस्तों फिल्म के एडवांस बुकिंग को स्टार्ट हुए को 2 घंटे हो चुके हैं और दोस्तों ये फिल्म अपने 2 घंटों में लगभग 6 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर चुकी है। अब दोस्तों इस फिल्म के पास अभी भी काफी ज्यादा टाइम बाकी है और दोस्तों हमको देखना यह है कि आने वाले समय में ये केवल एडवांस बुकिंग में क्या रिकॉर्ड तोड़ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से मूवी का बज क्रेज बना हुआ है मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म अपने पहले दिन 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग तो ले ही लेगी। अगर आपको नहीं पता तो हाल फिलहाल में रिलीज कर गई इनकी फिल्म सरफरा ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ खास कमाल नहीं करा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी फिल्म की तरफ। तो दोस्तों हमारी दूसरी फिल्म डबल स्मार्ट शंकर, और आप सभी को पता है कि फिल्म में करना आपको राम पोथी नैनी संजय दत्त जैसे खतरनाक एक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों इस फिल्म को काफी ज्यादा हेट देखने के लिए मिल रहा है फिल्म के ट्रेलर को चलते, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट करा है पूरी जगानंद ने और मूवी का बजट लगभग 70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब दोस्तों इस फिल्म को हम सभी के बीच में मेमोरियल साइंस फिक्शन फिल्म कहा जा रहा है, पर दोस्तों जिस तरीके से इस फिल्म के ट्रेलर का क्लाइमेक्स बताया गया था भाई साहब मेरे पैरों तले जमीन घिसक गई, मुझको लग रहा था कि यह फिल्म एक फिल्म है या फिर दोस्तों किसी कार्टून को देख रहा हूं। पर दोस्तों ऐसा एक बात कह दूं कि मूवी का बस फिर भी काफी अच्छा बना हुआ है। मूवी की एडवांस बुकिंग को स्टार्ट हुए को 18 घंटे का समय हो चुका है और दोस्तों मूवी ने अभी तक 50 लाख से रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया और दोस्तों इससे कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं डबल स्मार्ट शंकर बॉक्स ऑफिस पे 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग तो लेगी ही लेगी। पर दोस्तों अगर क्रिटिक्स के रिव्यू अच्छे निकल के नहीं आते तो आने वाले कुछ ही दिनों में 3 से 4 दिनों में हो सकता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस से उतर भी जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनता है और जनता जनार्दन है और अगर जनता ने सोच लिया कि हमको डबल स्मार्ट शंकर नहीं देखना है तो नहीं देखेंगे वो। पर दोस्तों आपको हमारे चैनल पे मिलेगी इसकी हर एक छोटी बड़ी अपडेट और दोस्तों पब्लिक रिव्यू सुद हिंदी में सबसे पहले। आप देखना चाहेंगे या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों हमारी अगली अपडेट निकल के आती है चियान विक्रम की फिल्म थंगलान की तरफ से। आप सबने दोस्तों अगर इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा तो आपको बता दें कि ट्रेलर वाकई में काफी शानदार, बेहतरीन, लाजवाब और दोस्तों आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों ट्रेलर के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में आपको मालवी का भी देखने के लिए मिलती है जो कि दोस्तों इस ट्रेलर की वन ऑफ द और दोस्तों पावरफुल लेडी होती है। उसके पास एक ऐसा जादू होता है जिससे वो किसी भी व्यक्ति को हरा देती है और दोस्तों इस फिल्म के अंदर भी आपको सोने से लेकर के हीरे से लेकर के काफी सारी बातें देखने के लिए मिलेगी। फिल्म को डायरेक्ट करा है पीए रणजीत ने और दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस भी इसी ने करा है। अगर बात कर
करी जाए तो मूवी का बजट 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं भी दोस्तों फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा और दोस्तों हिंदी भाषा में रिलीज करा जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जहां पर चयन विक्रम का नाम आता है वहां पर दोस्तों आपके दिल में केवल एक ही बात आती होगी कि जहां पर चयन विक्रम का नाम आएगा वहां पर उनकी फिल्म का कंटेंट सभी फिल्मों से काफी ज्यादा यूनिक और दोस्तों हटके होगा। चयन विक्रम का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा। यही कारण है कि दोस्तों थंगलान मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो बाकी फिल्मों से काफी ज्यादा खतरनाक और दोस्तों बेहतरीन देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि थंगलान मूवी के एडवांस बुकिंग को स्टार्ट हुए को 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस के ऊपर 2,20,00,000 रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया। और हो सकता है कि जब तक आप मेरी वीडियो देखें जब तक दोस्तों थंगलान फिल्म केवल एडवांस बुकिंग में 3 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दे। वैसे दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि किसी की फिल्म चले या नहीं चले, बाकी चयन विक्रम के फैंस लॉयल है और दोस्तों चयन विक्रम भी उनके फैंस के लिए हमेशा यूनिक कॉन्टेंट लेके आते हैं। वैसे दोस्तों थंगलान का तो मुझको काफी बेसब्री से इंतजार है, आपको है या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली अपडेट निकल के आती है जॉन अब्राहम की तरफ से, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म वेदा। आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने वाली बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको जॉन अब्राहम, सरवरी, अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना जैसे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में कहना अभिषेक बैनर्जी की जो एक्टिंग है वो लाजवाब नजर आने वाली है। वहीं पर दोस्तों उर्वशी या दोस्तों कह सकते हैं कि सरवरी ने जो अपने बॉडी ट्रांसमिशन कर रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उनकी वॉइस काफी ज्यादा शानदार लग रही है और दोस्तों इस बार इस फिल्म के एक्शन देखने के बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि भले से जॉन अब्राहम बॉलीवुड के क्यूट हल्के, बाकी दोस्तों उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्शन लैंग्वेज है वो बिल्कुल मीडियम रखा गया है, एकदम नॉर्मली रखा गया जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति लड़ सकता है। पर दोस्तों आपको बता दे कि वेदा फिल्म की स्टोरी आपको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बांधे रखेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करा है निखिल अडवाणी ने, फिल्म को प्रोड्यूस करा है मनीष अडवाणी ने और मूवी का बजट है केवल 50 करोड़ रुपए। अब दोस्तों इस मूवी को काफी जल्द रिलीज होना है इसलिए इस फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है और दोस्तों फिल्म की एडवांस बुकिंग को स्टार्ट हुए को 8 घंटे हो चुके हैं और दोस्तों इस 8 घंटों में मूवी ने कई सारी जगहों से जैसे राजस्थान, भोपाल, दिल्ली, NCR जैसी जगहों से 15,00,000 रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया। और दोस्तों आपको बता दें कि ये एडवांस बुकिंग खेल खेल में मूवी अक्षय कुमार की से कहीं ज्यादा है। अब दोस्तों आप सभी को ये तो पता ही है कि कहीं ना कहीं जॉन अब्राहम का बस तो बना हुआ है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं हमारी अगली अपडेट और दोस्तों आखिरी अपडेट के बारे में। आप सभी को पता है कि स्त्री 2 जिसका बज और क्रेज सभी फिल्मों से कहीं ज्यादा अच्छा है अगर केवल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, नहीं तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर और भी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज हो रही है। दोस्तों स्त्री 2 जिसको हम सभी के बीच में काफी अलग लेवल की तरह से रिलीज करा जाएगा। फिल्म के अंदर आपको राजकुमार राव, श्रीनिधि शेट्टी, फिल्म में आपको राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अशोक बैनर्जी और दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगी आमिर कौशिक की। दोस्तों मूवी का बजट केवल 50 करोड़ रुपए है और 50 करोड़ रुपए के बजट में मूवी को जिस तरीके से बनाया गया है ना भाई साहब, वो वाकई में काबिले तारीफ है। जी हाँ आपको बता दे कि फिल्म के अंदर सरकटा के CGI VFX काफी शानदार है, मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब है और दोस्तों मूवी का बज बॉलीवुड अंदर रिलीज होने वाली अभी तक की फिल्मों से कहीं ज्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों एडवांस बुकिंग को स्टार्ट हुए को केवल 3 घंटे हुए हैं और 3 घंटों में मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है। जी हां इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 65,00,000 रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर धड़ल्ले से कमाई करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों 3 घंटों में 65,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग अभी के टाइम पे मामूली बात नहीं होती। और दोस्तों मेरी एक बात से तो एंग्री कर चुके होंगे कि जहां पर स्त्री 1 हम सभी के बीच में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी वहीं पर दोस्तों स्त्री 2 भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के क्रंची डायलॉग्स, कॉमेडी भरे सीन्स आप सभी का दिल जीतने के लिए तैयार है। वैसे दोस्तों आप इन पांचों में से कौन से सीन का इंतजार कर रहे थे कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों कौन सी फिल्मों को देखने जाएंगे कमेंट ये भी जरूर करिएगा। जय हिंद।